बड़ा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ डेस्टिनेशन डजंट मैटर, वरना जर्नी इज मैटर, जर्नी मैटर करता है। आप जर्नी को कितना महसूस करते हैं, कितना फील करते हैं, वो चीज मैटर करती है। ये लिखा हुआ है वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम नेशनल हाईवे 310। यस जी, थैंक यू फॉर दिस। एक अच्छा वॉटरफॉल है, सामने बुद्धा का स्टैचू है और ये वॉटरफॉल है। तो भी हम यहाँ से निकलने वाले हैं गणेश टॉक टेम्पल से। ये यहाँ का व्यू है, ड्रेसेस पहन के सभी फोटोस करवा रहे हैं, पहन रहे हैं। मैंने भी अभी ड्रेस पहना था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं लाचेन रोड पे, काफ़ी अच्छा जर्नी होने वाला है आज का। ये लेकिन ये ऐसे बोलते हैं कंचनजंगा की चोटियाँ जो यहाँ से दिखती हैं अगर मौसम साफ होता है ना, जो सिक्किम और तिब्बत के बीच का जो पर्वत है कंचनजंगा, उसका व्यू यहाँ से मिलता होता है, तासी व्यू पॉइंट इसीलिए इसको बोलते हैं ये। सीमा सड़क संगठन देश विकास में अग्रणी शान है सिक्किम प्रोजेक्ट स्वास्तिक। तो ये बीआरओ का संदेश है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना वो फोटो बुद्धा का, मस्त यार। आज पूरा क्लाउडी मौसम है, बाहर पर्वतों का कोई भी व्यू नहीं मिल रहा है बरसात का मौसम होने की वजह से। बाइकर्स, बाइकिंग का भी मजा आ रहा है ऐसे टेरेंस पे ना। कुछ नहीं, सेफ है, इट्स सेफ, इट्स ओके। आगे के लिए थोड़ा केयर हो गया, अब गाड़ी भी सेफ है, गाड़ी पे लगा नहीं, आगे के लिए केयर हो गया। या सेफ सेफ सेफ, इट्स ओके। आगे आगे मूव कर लो, आशीष आगे मूव कर लो। आगे 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 लगा लो, इट्स ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अभी बाइक स्लिप कर गई थी हमारे आशीष भाई की, अभी तो यही होता है यहाँ पे ना इन राहों में, इन रस्तों में बड़े ध्यान से और बड़े पेशेंस से, बड़ी केयर से चलना पड़ता है। जहाँ में लगता है कि प्लेन एरिया है वहाँ पे स्पीड कर सकते हैं, बट जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं यार टर्न्स हैं कर्व्स हैं, हालांकि अभी आशीष भी बड़े स्लो चला रहा था, बट वहाँ जहाँ पे स्लिप कर गया ना वहाँ पे पानी था थोड़ा थोड़ा सा ना, रोड गिल्ला है बारिश की वजह से, तो टायर्स पे जो मिट्टी है वो लगी हुई है, तो इसलिए वो स्लिप मार गई गाड़ी। क्या हो गया? ओ ऐसा तो यार दिक्कत हो जाएगी। से अभी हम क्रॉस करके जाएंगे, काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। क्या हो गया? आगे दुनिया भर के आएंगे इस रोड पे व्यू, थोड़ा चलते हैं अभी तो, क्योंकि अभी तक कोई डिस्टेंस नहीं कवर हुआ अपना। ये यहाँ का व्यू है जी, कितने देखो 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 हाई कितनी है ना, ये पानी फ्लो हो रहा है वहां से, पानी आ रहा है ऊपर से, ये पूरा फ्लो हो रहा है, और इस ब्रिज से हम अभी क्रॉस करके जाएंगे। हमारे आशीष भाई अभी क्रॉस कर रहे हैं, बड़ा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ डेस्टिनेशन डजंट मैटर, बट द जर्नी इज मैटर, जर्नी मैटर करता है। आप जर्नी को कितना महसूस करते हैं, कितना फील करते हैं, वो चीज मैटर करती है। ये लिखा हुआ है वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम नेशनल हाईवे 310। यस जी, थैंक यू फॉर दिस वेलकम। पूरा खाई था, नीचे पानी का फ्लो है।
पानी का झरना आ रहा है, ये जगह जगह इस रोड पे हमें बहुत सारे वॉटरफॉल्स मिलेंगे। आज ऊपर से पानी आता है ग्लेशियर्स का, और कल से तो मौसम भी खराब हो रखा है, बारिश का मौसम हो रखा है, बट यहाँ बताते हैं कि किसी भी टाइम मौसम कभी भी चेंज कर जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी भी सनी सनी हो जाएगा, कभी भी स्मोगी हो जाएगा, कभी भी मिस्टी मौसम हो जाएगा, कभी साइनी और क्लियर मौसम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, पशुओं के लिए चारा लेके जा रहे हैं। ये इस वैली का व्यू देखो, टिंगड़ा, टिंगड़ा नामक जगह है ये, टिंगड़ा कैसे घर बनाए हुए ना, झोपड़ी। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के फैटल कॉकटेल, सही लिखा हुआ है, ड्रिंक करके जो ड्राइव करेंगे इट्स डेंजरस। रास्ता बड़ा ब्यूटीफुल है, और बीआरओ पूरे रास्ते पे देखो कैसे काम कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा है। कितना गजब का रोड यार, कच्चा रोड बना दिया है बिल्कुल मक्खन। इसीलिए मतलब हमें पता लगा था कि जो लाचेन और लाचुंग वाला जो रास्ता है बहुत क्लियर रास्ता है, बहुत ही साफ रास्ता है, तो बीआरओ अपने इन रास्तों को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखता है। ऐसे ही जो लद्दाख वाला रीजन के जो रोड्स हैं उनको भी बहुत अच्छा मेंटेन कर दिया बीआरओ ने ना, पहले के कंपैरिजन में, बिकॉज ये बॉर्डर के रोड हैं, कभी भी अगर आर्मी का मूवमेंट होता है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, रोड कंडीशन अच्छा होना चाहिए, तो फास्ट मूवमेंट होगा, उसी रिस्पेक्ट में ये अच्छा रोड बनता है। देखते हैं आगे कहीं रुकेंगे तो लोकल डिश का आनंद लेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलेगा खाने को लंच के लिए। वी विल एंजॉय दैट फूड, बट लोग रियली यार बहुत अच्छे लोग लगे मुझे यहाँ के ना, मैं रात में रहा वहाँ पे, लोगों से मैं बातचीत किया, थोड़ा घूमा फिरा लोकल गलियों में, काफ़ी अच्छा लगा। के ऊपर से अभी निकल रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे भी बंधे हुए हैं ना इनका जो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, ये पूरा देखो नदी का इस वैली का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है, सुंदर नज़ारा। अभी तक पूरा डाउन डाउन आ रहे थे, अब लगता है कि दोबारा फिर से ऊपर ही ऊपर जाना है। मतलब अगर यहाँ से कुछ हो भी जाता तो बंदा नीचे जाएगा सीधा। हालांकि रेलिंग यहाँ पे लगा रखी है, अच्छी बात है, पूरे रोड पे नहीं रेलिंग ही हुई है। कितना सुंदर लग रहा है यार ये, है ना, पेड़ हैं, ये झंडे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो
अगर आप लोग इसको देख रहे हैं, इस व्यू को आप एंजॉय कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आपने इस व्यू को एंजॉय किया, इस राइड को आपने एंजॉय किया, आप कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए एक वॉटरफॉल है यहाँ पे ना, वॉटरफॉल भी, और मुझे लगता है यहाँ चेक पोस्ट भी है। ये एक अच्छा वॉटरफॉल है, सामने बुद्धा का स्टैचू है और ये वॉटरफॉल है, काफी अच्छा लग रहा है, मस्त व्यू आ रहा है। आगे चलते हैं यहाँ सीधा, काफी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे, तो रुके हुए हैं लोग यहाँ पे, इसको विजिट कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बट हम लोग सीधे निकल जाएंगे क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे व्यूज आने वाले हैं।